अस्सलाम वालेकुम लाला आज के लेक्चर में हम ग्रीन सिंथेसिस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल को डिस्कस करेंगे देखिए दो चीज़ें अहम हैं एक तो ग्रीन सिंथेसिस जो प्रोसीजर है नैनो पार्टिकल सिज करने का ये बहुत ज़्यादा अहम है क्यों अहम है कितनी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं आज के लेक्चर में भी हम इसे डिस्कस करेंगे दूसरा जो मेटल ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल हैं आप देख रहे हैं कि हम जितनी भी एग्जाम्पल ले रहे हैं वो मेटेलिक ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स होते हैं इसकी वजह यह है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा अच्छी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिव प्रॉपर्टी टीज़ के हामिल मटीरियल हैं और इसके साथ साथ इनकी एप्लीकेशन बहुत डायवर्स है ये बायोमेडिकल एप्लीकेशन है इनकी इनके एनर्जी स्टोरी डिवाइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इन पर काम किया जा रहा है चाहे वो सुपर कैपेसिटर हैं ये बायो सेंसिंग में यूटिलाइज होते हैं और इनकी बायो कम्पेटबिलिटी बहुत अच्छी होती है तो बायोमेडिकल uh, फील्ड में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड uh, है और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक रिफ्रैक्ट्री मटेरियल है रिफ्रैक्टरी मटेरियल मींस कि इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है ये सरैमिक मटेरियल है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है इस वजह से इसका एप्लीकेशन उन एरियाज़ में जहाँ पे ये स्टेबिलिटी चाहिए होती है हाई वर्किंग टम्परेचर जहाँ पे जरूरी होता है वहाँ पे विद एप्लीकेशन ऑफ दीज मटीरियल ऐसे की जाती है ताकि ये मटीरियल अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ फुल जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनहेरेंट उनके साथ काम कर सकें तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये है कि ये हाई टेम्परेचर पे बहुत अच्छा काम करता है ये फोटो में इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर में सेमी कंडक्टर मटीरियल में के तौर पर बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ होता है सुपर कैपेस्टर में इसके मुख्त कम्पोजिट दूसरे मटीरियल के साथ बना के इसे यूटिलाइज किया जाता है ये एब्जॉर्बेंट जो वेस्ट वाटर हम वेस्ट करते हैं उसे अगर आप पोल्यूटेंट फ्री करना चाहते हैं तो नैनो मटीरियल के चूंकि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है तो यू you नो know, कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इस मटेरियल की ये प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगी हो जाएगी सर्फेस ज़्यादा होने की वजह से जो जो कनेक्शन है जो एडहेरेंस है आर्गेनिक और, और इनआरगेनिक पोल्यूटेंट की ऑन द सर्फेस ऑफ दिस पार्टिकल विल आल्सो बी इंक्रीज तो ये यहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड को एक इंसुलेटिंग मेटल ऑक्साइड कहा गया है इसका ये मतलब नहीं है कि ये इंसुलेटर है मतलब ये एक रेलेटिव टर्म है बहुत सारे दूसरे मेटालिक ऑक्साइड हैं जिनकी कंडक्टिविटी मैग्नीशियम ऑक्साइड के नस्पत बहुत अच्छी है तो उस जगह पर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को कह देते हैं कि ये रैलेटिवली इंसुलेटिंग बिहेवियर शो करता है हम आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि आपके पास जो ग्रीन सिंथेसिस है इसमें मैग्नीशियम uh, ऑक्साइड के ग्रीन सिंथेसिस कैसे किया जाता है इसको हम आज डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले ये कहता है कि जो डायमेंशन और शेप ऑफ द एनी नैनो मटीरियल ऑल दो वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैगनीशियम ऑक्साइड बट इफ़ वी हैव एनी काइंड ऑफ नैनो मटीरियल दैन टू थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट दे प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन फॉर डिटरमाइनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर मटीरियल और दो वो चीज़ें क्या हैं एक तो डायमेंशन है और दूसरी शेप है ऑफकोर्स डायमेंशन शेप को डिटरमाइन करती है सम हाउ ये आपस में इंटरलिंक्ट हैं लेकिन अगर शेप ऐसी हो कि सर्फिस एरिया कम हो या ज़्यादा हो सर्फ़ एरिया में शेप भी प्ले आ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और डायमेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रोल प्ले करती है तो ये दोनों चीज़ें प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करती हैं प्रॉपर्टी को डिफाइन करती हैं अब जो आ, इसकी यूटिलाइजेशन मैंने आपको बताया कि फोटोकटेलिस में एंटी कैंसर एक्टिविटी में एंटी बैक्टीरियल फंक्शन में है बायो कम्पैटिबिलिटी में और अदर बायोमेडिकल एप्लीकेशन में है तो इस वजह से ज़रूरत इस समर की है कि इसकी इतनी डाय र्स अगर एप्लीकेशन है तो हमारे पास कोई ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए जो कि हम ए, ए, इसको इसको सिंथेसाइज करें तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हो वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं कि जब हम इन्हें सिंथेसाइज करें तो एनर्जी एफिशिएंट हो उसमें ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम ना हो कास्ट इफेक्टिविर ज़, ज़, है जब एनर्जी कम यूटिलाइज होगी तो उसकी कास्ट भी इकोनॉमिकल लेवल पर आ जाएगी और इको फ्रेंडली ये एक एडिशनल खूबी है इस डिमांड भी है और खूबी भी है खूबी किस चीज़ की है ये बायोलॉजिकल सिंथेसिस या ग्रीन सिंथेसिस खूबी है कि ये एनर्जी एफिशिएंट भी है यह इको फ्रेंडली भी है और यह कॉस्ट इफेक्टिव भी है तो इस वजह से हम ग्रीन सिंथेसिस के के थ्रू मैग्नीशियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज करने जा रहे हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में चूंकि इसमें यह तीन चार खूबियां हैं अब जो ग्रीन सिंथेसिस है मैंने आपको बताया है कि यह तीन तरह की फेब्रिकेशन की जा सकती हैं एक तो हम प्लांट एक्सेट से यूटिलाइज करके हम बना सकते हैं दूसरा तरीका यह है कि आप जो बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको यूटिलाइज़ करके आप ग्रीन सिंथेसिस कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं आपके पास बैक्टीरिया हो सकते हैं फंगी हो सकते हैं वगैरह वगैरह आप बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज़ करते हैं अब इनको यूटिलाइज़ करके बेसिकली आप उस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन को आप फास्ट करते हैं एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने लगे हैं सिर्फ प्लांट एक्सट्रैक्ट को अगले लेक्चर में हम फंगी बैक्टीरिया वगैरह को भी डिस्कस करेंगे कि उनसे कैसे बनाते हैं आज हम प्लांट एक्सट्रैक्ट प्लांट एक्सट्रैक्ट मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर एक बीकर है आप उस बीकर में कोई भी सॉल्वेंट लेते हैं और सॉल्वेंट के अंदर आप प्लांट के पार्ट्स डाल देते हैं फॉर इंस्टेंस अगर आप रूट्स का एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं तो रूट डाल देंगे काट के ग्राइंड करके अगर आप स्टैंप ले रहे हैं अगर आप लीव्स ले रहे हैं अगर आप फ्लॉर्स uh, ले रहे हैं जो भी चीज़ ले रहे हैं उसे छोटा छोटा ग्राइंड करके आप पानी में डाल देंगे और उससे फिर आप तरीक़ों से आ, उसे हैंडल करते हैं और उसमें से एक्स्ट्रैक्ट निकालते हैं बेसिकली ये जो एक्स्ट्रैक्ट आप निकालते हैं वो बायो मालिक्यूल होते हैं जो उस पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं बायो मालिक्यूल कौन कौन से हो सकते हैं तो ये कहता है कि इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस एंड स्टेबलाइज आयंस यूजिंग कम्बिनेशन ऑफ बायो मालिक्यूल कौन कौन से बायो मालिक्यूल होते हैं जो हम एक्सट्रैक्ट में बनाते हैं ये प्रोटीन्स हो सकती हैं ये अमीनो एसिड्स हो सकते हैं ये फ्लेवनोइड हो सकते हैं सिट्रिक एसिड वेरियस इंजाइम्स पोलीसेक्रेड्स सेक्राइड्स एंड फिनोल्स और एंड सेपोनिनपिनयड्स और विटामिन ये सारी चीज़ें होती हैं जो प्लांट के एक्सट्रैक्ट में हमें मिलती हैं और इनको हम हर प्लांट में जाहिर है एक प्लांट में ये सारे नहीं होते हर एक प्लांट में एक डोमिनेंट बायो होता है जिसको हम टारगेट करते हैं कि ये अचीव कर सकें फिर ये कहता है कि ये वाला प्रोसीजर इस वजह से भी है कि इसके नतीजे में अहम है बायो ग्रीन uh, सेंथिस जिसके नतीजे में जो नैनो पार्टिकल्स बनते हैं वो बायो कम्पैटिबल होते हैं बायो कम्पैटिबल मीन कि अगर आप उसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रीट करेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्प्लांट करेंगे तो ह्यूमन बॉडी के अंदर इसकी कम्पैटिबिलिटी होगी बॉडी को कोई एक्सटर्नल uh, एंटिटी ज्यादा महसूस नहीं होगी ये कंपेटेबल होगा उस इन्वायरमेंट के अंदर और दूसरा ये है कि ईजिली अवेलेबल है जाहिर है आपने प्लांट को यूज कर रहे हैं तो ये प्लांट्स मौजूद ही होते हैं ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है आज हम आ, आगे चल के ये देखते हैं कि आपके पास जो आपके पास जो मेन फैक्टर हैं यहाँ पे हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ग्रीन सिंथेसिस प्लांट बेस्ड ग्रीन सिंथेसिस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड या किसी भी नैनो पार्टिकल के शेप और साइज को इन्फ्लुएंस करते हैं देखें एक टम्परेचर बहुत ज़्यादा अहम है अगर आप जिस बीकर में आपने एक्सट्रैक्ट बनाया है और इस एक्सट्रैक्ट को आप यूटिलाइज कर रहे हैं किसके साथ साल्ट सोल्यूशन uh, के साथ तो वहाँ पर एक ज़ाहिर है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा अगर वो टेंपरेचर बहुत ज़्यादा होगा अगर आप टम्परेचर बहुत ज़्यादा संवरा दें उन टम्परेचर से आप ज़्यादा करेंगे तो आपके पास यूनिफाम साइज एंड स्मॉलर पार्टिकल हों अगर आप टेम्परेचर कम रखेंगे तो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म साइज होगा और दूसरा ये जनरल ट्रेंड है पर्टिकुलर ट्रेंड्स नहीं है मतलब ज़्यादा डिफाइन नहीं है कि कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा लेकिन ग्रीन सिंथेसिस में अगर आप इसे ज़्यादा कह रहे हैं तो जाहिर है आप अगर छः सात सौ से ऊपर ऊपर अगर आप चले जाते हैं तो ये रिलेटिव टर्म है इसे आप ज़्यादा कह रहे हैं अच्छा उसके बाद पी एच इस सोल्यूशन की बहुत ज़्यादा अहम होती है कि आपने उस साल्ट की पी एच और फिर जो एक्स्ट्रैक्ट बनाया उसकी पी एच इन दोनों की पी एच अगर आपकी पीएच आपकी पीएच नहीं सॉरी इस सॉल्यूशन की पीएच हम दुरुस्त कर लेते हैं रिकॉर्ड को अगर आप पीएच की आ, को डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीजिंग पीएच की वजह से जो साइज़ ऑफ नैनो पार्टिकल एट द एंड ऑफ द डे यू विल विल हैव इन साइज द पार्टिकल विल लार्जर साइज और अगर आप पी को इंक्रीज करेंगे तो इसके दो फायदे होंगे एक तो रिएक्शन रेट तेज़ होगा यानी रिएक्शन रेट तेज़ होने का मतलब है कि आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा नैनो पार्टिकल पार्टिकलसाइज़ कर लेंगे और दूसरा नैनो पार्टिकल का जो साइज़ है वो स्मालर नैनो पार्टिकल होंगे और वो ज़्यादा बनेंगे ज़्यादा बनने से मुराद यह रिएक्शन रेट और स्मालर साइज़ होगा और यूनिफाम साइज़ भी नस्बता होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन मूविंग ऑन अभी हम आगे चल के ये देखते हैं कि एक एक पर्टिकुलर केस देख लेते हैं एक एग्जाम्पल्स छोटी सी देख लेते हैं कि कैसे इसका आ, बनाते हैं ये यह, यहाँ पे ये यह कहता है कंसनट्रेशन ऑफ प्रकर्सर और, और एक्सट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा अहम होती है और यहाँ पे इसने लिस्ट की है कि ग्रीन सोर्स प्लांट्स से सबसे ज्यादा मैग्नीशियम ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल बनाए गए हैं और उनकी शेप और साइज क्या होता है यहाँ पे आते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको ये एक एसिड है इसको ट्रीट किया गया है मैग्नीशियम नाइट्रेट के साल्ट से और इन दोनों के रिएक्शन से एक कम्प्लेक्स बना और फाइनली जब हमने इसे 400 पे ट्रीट किया तो आपके पास ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल बन गए ये एक शार्ट सा प्रोसीजर, प्रोसीजर है ये साल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं और ये एक्सट्रैक्ट है जिससे टैनिक एसिड कहते हैं तो इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं और उसके नतीजे में आपको ये पार्टिकल मिलते हैं ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल थी अगले लेक्चर में मिलते हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़